है ना गोम्बो रंजन उत्तराखंड का गोम्बो रंजन। द्रोणागिरी पर्वत टू सेव लाइफ ऑफ लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायणा। और निकाल के थोड़ा सा ब्लॉग कर लेते हैं, दिखा देते हैं कि भाई हम किस जन्नत में हैं। इतनी खूबसूरती शायद ही आपने उत्तराखंड के किसी ब्लॉग में देखी होगी। भाई साहब ये कहाँ फंस गए। हाँ जी, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर वंस अगेन। और आज का जो व्लॉग है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है बद्रीनाथ से, लेकिन जोशीमठ में हमें एक परमिट चाहिए होगा जहां हम जा रहे हैं, शायद अगर हो जाए तो। मतलब परमिट का खेल चल रहा है। पिछले वाले व्लॉग में भी बहुत तगड़े वाले परमिट और सोर्सेस चाहिए थे, लेकिन उन्होंने भी काम नहीं किया। अगर नहीं देखे पिछले व्लॉग यानी कि माना पास के, तो जाकर ज़रूर देखना। अल्टीमेट एडवेंचर था, मैं भी गिरा और बहुत सारे और भी राइडर्स थे। मतलब बवाल वाला जो एडवेंचर था ना वो हुआ था। वाटर क्रॉसिंग्स थी, स्नोफॉल हुआ, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। बाकी दादा आज हम कहाँ निकल रहे हैं? कहीं ना कहीं जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे जगह। किसी का पुराना शेर था, हाँ, कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। हाँ। कोई हम जैसा हमेशा सफर में रहा। काफी दिनों बाद हम दोनों भी राइड कर रहे हैं साथ में। राइड नहीं किया हमने। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई साहब दादा से कुछ हो तो नहीं क्या अनबन। ऐसा कुछ नहीं, क्या होता कि ना आप हमेशा लाइफ में हर चीज हर टाइम नहीं कर पाते। जैसा बैक एंड मेरे घर पे मेरा बिजनेस है, मेरे बच्चे है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो कभी कभी क्या है फ्री बिजी आदमी टाइम नहीं। फिर भी एक साल हो गया निकाला टाइम, अच्छे से हमने आराम थोड़ा सा करेंगे, चिल भी मारेंगे, मतलब आराम से। ये नहीं है कि भागम भागी भागम, ये बार कोई हार्डकोर राइड नहीं है, बस चिल राइड मारेंगे। हाँ, हार्डकोर हो चुकी हो एक दिन पहले ही। अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ टेंपल को विजिट करने के लिए, क्योंकि यार देखो बद्रीनाथ आए हैं तो विजिट करना तो बनता है। क्यों दादा? मैं पहली बार आया। और ये पहली बार आए हैं दादा। जय बद्री विशाल। तो भाई आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में टाइम की कमी सभी के पास होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं राइडिंग करता रहता हूँ, फिर आने के बाद एडिटिंग वगैरह चालू रहती है तो टाइम कम रहता है। ऊपर से जो सोशल मीडिया है उस पर भी एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपना जो फेस है उसको भी चकाचक रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई अगर स्किन बढ़िया नहीं दिखेगी भाई कैमरे के सामने, मतलब स्किन भी काफ़ी अच्छी और ग्लो करनी चाहिए ना कैमरे के सामने, तो चकाचक होनी चाहिए। तो अपनी स्किन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस सब के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो क्रीम। इस क्रीम में है विटामिन सी और ये हमारी नेचुरल कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट देता है और हमारी स्किन पर ग्लो लाता है। इसमें टर्मरिक है जो रिच है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एंड ऑक्सीडेंट्स से, जिससे स्किन की डलनेस रिड्यूस्ड होती है। और साथ ही साथ ये सन से भी बचाता है और ये काफ़ी लाइट वेट फार्मूला है दोस्तों, जो कि स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और पूरे दिन स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और ये सभी स्किन्स को सूट करता है। और इस क्रीम को आप डेली यूज कर सकते हो, क्योंकि मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब पैराबिन और टॉक्सिन फ्री होते हैं। इसे अप्लाई करना दोस्तों बहुत ही आसान है। थोड़ा सा अमाउंट क्रीम का हथेली पर लेना है और फेस पर लगाना है और मसाज करना है तब तक जब तक क्रीम पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए स्किन में। और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मामाअर्थ का परचेज करते हो तो वो आपका ऑर्डर लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ, और उन्होंने एम किया हुआ है कि बाय 2025 वो प्लांट करने वाले हैं 1 मिलियन ट्रीज, जो कि बहुत ही बढ़िया एक इनिशिएटिव है। और मामाअर्थ ने दोस्तों एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसका नाम है गुडनेस इनसाइडर, जिसमें कि आपको फ्री गिफ्ट्स भी मिलेंगे और फ्री डिलीवरी भी मिलेगी ऑन एवरी ऑर्डर, और साथ ही एक्सेस मिलेगा एक्सक्लूसिव सेल का भी। तो लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां पर जरूर चेक करिएगा। और जितने भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट हैं वो अमेजन, फ्लिपकार्ट और नायका सभी जगह उपलब्ध है, वहां पर आप इनको परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड
एक्सट्रीम 2022 यूज़ करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, और इनकी जो ऐप है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप इनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो भाई, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए, डिस्क पैड हो गए ख़त्म। मुझे लग रहा है कि मेरी जो डिस्क है ना उसमें दिक्कत आ गई है, वो जल्दी जल्दी जो डिस्क पैड है उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। तो दादा के पास एक स्पेयर में है, देखते हैं उससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे यहाँ पर बद्रीनाथ में कोई भी मैकेनिक नहीं है, कोई बाइक ठीक नहीं करता, तो अब जाके जोशी मठ में ही कुछ होगा। बाकी एक स्प्रिंग भी निकली हुई है तो वो भी ढूंढनी पड़ेगी। टाइम हो गया 11:30, चार्जिंग वायर से जुगाड़ चल रहा है, देखो साइड स्टैंड को उससे बांध रखा है। हम पहुंच चुके हैं अभी हनुमान चट्टी। अब यहां पर रुकना पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि अपना स्टैंड टूटा हुआ है। तो जय हनुमान जी की, जय बद्री विशाल। सीधा पहुंचना पड़ेगा भाई जोशी मठ, कहीं पर भी रुकने का कोई मौका नहीं है, कोई फोटोग्राफी का मौका नहीं मिलेगा, खींचना पड़ेगा। नहीं मिला दादा, नहीं है, वो अलग है, कोई क्लीनर करके कुछ है, लुब्रिकेंट क्लीनर ऐसी कुछ है। तो वही सीन ऐसा है कि पूरे जोशी मठ में ये जो नट है कोई भी खोल नहीं पा रहा है जो ब्रेक पैड पे लगा होता है। तो वही यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं नट खोलने की, नट ही नहीं खुल रहा है। 3-4 दुकानें दिखा ली हैं, लेकिन ये भाई हैं सलीम भाई जो कि बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में खुलेगा या नहीं खुलेगा। एक बार तो वेल्ड करा के ला चुके हैं, ऊपर वाला जो नट है वो तो खुलवा लिया था लेकिन अंदर वाला भी स्लिप हो रखा है। देखो भाई, जो काम कहीं पर भी नहीं हुआ वो सलीम भाई की दुकान पे हो गया। देखो सलीम भाई से मिलाता हूँ मैं, ये है हमारे सलीम भाई। देखो भाई, कम से कम 2-3 घंटे से ये मेहनत कर रहे थे। इसमें क्या होता है, एक ऊपर आता है कैप, लॉक कैप, डस्ट कैप। आप नजर ही नहीं आ रहे हो, वो बेसिकली डस्ट कैप होता है। ठीक है, मतलब नीचे होता है ना कीचड़ में जाके लॉक में, मैं उसको वेल्ड करके निकलवाया। वेल्ड करके उसके बाद अंदर एलन की एक पिन होती है जिसमें डिस्क पैड बैठते हैं, उसका अंदर का पूरा सीटिंग खत्म हो गया था जिसमें पाना उसमें एलन की बैठती। उसके बाद जो है सलीम, मैंने हिम्मत, मतलब हिम्मत ही बोलूंगा, इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं। एक्चुअली बड़ी बाइक है तो भाई रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी 3 मैकेनिक मना कर देते, सलीम भाई ने उसको काट के वेल्ड करके बोल्ड ला के कोशिश की, उसके बाद ड्रिल किया और उसको ना एक जुगाड़ कर दिया, नट बोल्ट फिट कर दिया। अभी तो काम चल जाएगा। तो अब हम नीति जा सकते हैं? अरे नीति कहीं भी जाएगी, आपकी गाड़ी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है अभी। चलो थैंक यू सो मच सलीम भाई, फिर दोबारा मिलते हैं। होप सो जब भी आऊंगा ना मैं आपकी दुकान पे जरूर रुकूंगा। और सलीम भाई का जिसको चाहिए वो है जोशीमठ में पवार ऑटोमोबाइल, जोशीमठ। ओके गाइस, तो आज है अगला दिन, कल तो पूरी शाम लग गई थी तो हमने यहीं पर स्टे ले लिया था साईं धाम में। बाकी अब निकलते हैं नीति वैली, और यहाँ से नीति वैली का डिस्टेंस करीबन 80-90 किलोमीटर के आसपास है। गमशाली पड़ेगा, मलारी पड़ेगा। चलो जोशीमठ से निकला जाए अब। ओहो, मौसम तो कतई जहर हो रखा है आज, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड का नज़ारा। हाय साहब, लवली वेदर और क्लियर भी है। व्यू देखो यार, कितना शानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर ही उड़ रहा हूँ मैं तो। वाओ, इनक्रेडिबल। तपोवन 15 किलोमीटर यहाँ से। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, हिमालय तेरी जय जयकारा हे हिमालय। दादा ने देखो क्या फोटो खींची, दिखाना दादा वो वाली। वो तो क्लास, ये देखो फोटो, देखो यार फोटो देखो, क्या खतरनाक फोटो आई है। खींची तुमने तो, हाँ खींची तो मैंने ही है। ये पहाड़ देखो कितना ऊंचा है, सी बहुत ही कम इतने ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं रोड की साइड। वैली काफ़ी क्लोज है, उधर एक वाटरफॉल भी है उधर। ये वाले जो पहाड़ लग रहे हैं देखो कैसे कटाई कर रखी है, किन्नौर वाले पहाड़ देखे ना ऑलमोस्ट वैसे हैं। किन्नौर हिमाचल में है लेकिन ये उत्तराखंड में है, और कई लोग बता रहे थे कि भाई ये वाला जो रूट है ना ये लद्दाख टाइप का रूट लगता है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं है, हालांकि हिमाचल की तरह थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो किन्नौर वाली वैली है।
तो हम पहुंच गए हैं जी लाता गांव में। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि नीति वैली और नीति विलेज बिल्कुल चाइनीज़ बॉर्डर पर है, और उससे आगे पड़ता है सुमना। मेरे ख्याल से शायद पीछे से रास्ता जा रहा था या फिर आगे से ही जाएगा, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। अगर कहीं पर नज़र आएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। सो गाइस, हम पहुँचे हैं गर्म पानी करके जगह है, रिंगी वन पंचायत एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पर देखो मुल्तानी मिट्टी टाइप की, यहाँ से सल्फर निकल रहा है मेरे ख्याल से। अंदर चलते हैं एक बार दादा, आ जाओ एक बार देखते हैं ना अंदर चल के। इधर का नज़ारा देखो भाई, ओहो वो खड़ा अपना टाइगर। और अंदर चल के दिखाता हूँ कि अंदर से कैसा है। वैसे कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से, इस गर्म पानी से जो चर्म रोग होते हैं, स्किन है ना, तो वो ठीक हो जाते हैं। देखते हैं अंदर चल के थोड़ा सा। पानी यहाँ कहीं से निकल रहा है और खोल रहा है, ये देखो देख लो। पता नहीं, देख के दादा, देख के गर्म है पानी। ओहो यहाँ पे है, ये देखो ये रहा, पूरा उबल रहा है। ये तो ये कुछ अलग चीज नजर आई, उबल रहा पूरा। हाँ जी, गोप्रो तो हमने हटा दिया है, एक्चुअली बारिश हो रही है तो फोन से ही व्लॉग कर रहा हूँ अभी तो मैं। ये कुछ पर्यटक यहाँ पे आए हैं, टूरिस्ट। नीचे नदी बह रही है, ब्यूटीफुल व्यू है यार, ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खूबसूरत आपने कभी भी नीति वैली का कोई व्लॉग देखा होगा, तो ये व्लॉग पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा देखकर। इतनी खूबसूरती शायद ही आपने उत्तराखंड के किसी व्लॉग में देखी होगी। लेफ्ट हैंड साइड का जो नज़ारा है वो तो भाई साहब बहुत ही गजब का है। ऐसा लग रहा है कि गोम्बोरंजन तीसरा वाला यहीं पे है, ये देख रहे हो बिल्कुल टॉप ऑन टॉप सामने वाला पहाड़, ये वाला कितना ऊँचा पहाड़ है। गोप्रो में हालाँकि छोटा सा दिख रहा होगा लेकिन है बहुत ऊँचा, है ना गोम्बोरंजन उत्तराखंड का गोम्बोरंजन। हर एक अलग मोड़ पे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये देखो क्या शानदार व्यू है यार। द्रोणागिरी पर्वत टू सेव लाइफ ऑफ लक्ष्मण ड्यूरिंग द एपिक बैटल ऑफ रामायणा। यहाँ तो रुकना बनता है दादा, एक मिनट। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्रोणागिरी पर्वत, तो इसको बोला जाता है द्रोणागिरी पर्वत। अच्छा वो दोनों बीच में, ओके तो वो बीच वाला बता रहे हैं। तो लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे हनुमान जी, और ये हुआ था रामायणा में। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये भाई साहब अपनी चप्पलें धो रहे हैं, इधर झरना बह रहा है, ऊपर से आ रहा है कितना सुंदर। कम से कम 10-15 पुल तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ मैं, और ये एक पुल और आ गया। कभी इस पहाड़ी तो कभी उस पहाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं हम। तो हाँ जी, हम पहुंच चुके हैं मलारी गांव। लेफ्ट हैंड साइड पर मलारी आप देख पा रहे होंगे, लकड़ी के घर बने हुए हैं ज़्यादातर, और अभी उसी के बीच में से हम निकलेंगे शायद। वेलकम टू मलारी। यहाँ पर कोई पूजा पाठ है आज, और काफ़ी बड़ा मेला सा लगा हुआ है। ओहो ये देखो मंदिर है यहाँ का, जय माता दी नंदा देवी। ये देखो यहाँ पर ये दुकानें हैं, मतलब उसके बाद मिलेगा नहीं आपको, आगे नहीं मिलेगा कहीं, आगे गमशाली बांपा वहाँ भी सारे मुश्किल है, वहाँ भी सारे रूम फुल है। ये बोल रहे कि गमशाली में मिल जाएगा, तो है रूम लेकिन थोड़ा साला वापसी आना दिक्कत हो जाएगी, है ना। चाय पीते हैं, हाँ चाय पी लेते पहले। चलो यार, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ फुल है मलारी में, तो हम जा रहे हैं गमशाली। बाकी गमशाली यहाँ से शायद 10-12 किलोमीटर है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं। ऊपर जाता है सुमना और नीचे जाता है नीति।
तो हमें सुमना नहीं जाना है, सुमना सीधा चाइना बॉर्डर पहुंच जाएगा। नीति विलेज भी चाइना बॉर्डर के पास ही है, तो सुमना में अपना आर्मी बेस होगा मेरे ख्याल से, और अलाउड नहीं है किसी को भी जाना सुमना। यहाँ से निकलते हैं, इस साइड से ज़्यादा बेटर है, उधर पत्थर पड़े हुए हैं। एक तो कीचड़ है ना, उस वजह से भी रोड ज़्यादा ख़राब हो गया है भाई साहब। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल, सीधा चाइना पार कर जाएंगे क्या? ओ दादा की बाइक फिसली, बच गए दादा। चाय काली कलकत्ते वाली कहाँ है गमशाली, बड़ा ही खतरनाक रास्ता यार। दिस इज नॉट ए जोक भाई साहब। यहाँ से ढलान बहुत ज़्यादा तगड़ी है और वहाँ पे पानी भी निकल रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, कीचड़ बहुत ज़्यादा है बीच में से हैं। हाँ फिसलेगी, क्या करें फिर? चलो फिर, ऑप्शन तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा। चलो आराम आराम से, हो गया ऑलमोस्ट। आराम से। ओके। हाँ छोड़ दो। तो भाई साहब लेनी देनी हो चुकी है हमारी भाई क्या एडवेंचर हो रहा है, क्या फाड़ रोड है यार। मुझे लग रहा है कि लद्दाख स्पीति से भी ज्यादा खतरनाक है इस टाइम। ये ना 20 साल पहले वाला है ना दादा, 20 साल पहले वाला लद्दाख। हाँ रोड खत्म है इस टाइम यार, बारिश की वजह से ना और ज्यादा खराब हो गए रोड। बाकी नज़ारे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भाई साहब, एक नंबर है। मतलब हर जगह ना रुकने का मन कर रहा है और बैठ जाए वहां पर, लेकिन हो क्या रहा है कि भाई बारिश, उस वजह से कहीं पर भी रुक नहीं पाए। यहाँ पर बारिश थोड़ी सी रुकी है, तो मैंने सोचा अपना फ़ोन निकाल के थोड़ा सा व्लॉग कर लेते हैं, दिखा देते हैं कि भाई हम किस जन्नत में हैं। हालांकि देखो यार रोड तो ख़राब थे ही, लेकिन कहते हैं ना कि भाई नो पेन नो गेन। भाई साहब ये कहाँ फंस गए, अब तो लग रहा है फंस ही गए। कैसे निकले जाएगा भाई यहाँ से, ये तो मेचू काका भी पापा लग रहा है इतनी कीचड़ है। लो भाई गमशाली में रुक रहे हम, और यहाँ पर ये पार्किंग है बेसिकली कार की। दादा भी आ गए, यहाँ इसी के पीछे लगा दो दादा। हाँ जी, तो भाई आज रियली में लग रहा है कि मैं अपने गांव में आ गया हूँ है दादा देखो दादा कहाँ पे पड़े हुए, सोए हुए ठंड में पड़े हैं, ठंड में पड़े कोठरी में, कोठरी में। और ये है गमशाली विलेज। बेसिकली हम गए थे दुकान के पास, और वो वाला जो रूम था बहुत ही अजीब सा रूम लग रहा था मुझे। फिर मैंने बोला दादा ऊपर चल के देखते हैं, तो ये एक रूम मिला है, हालांकि पूरा पैक हो रखा है रूम, कंबल वंबल मिल गए हैं तो सो सकते हैं इजीली हम। आज के 2 किलोमीटर जो नरक था, नरक था समझो, करीब 30 डिग्री स्टीप डिक्लाइन, पूरा कीचड़ पानी भरा हुआ, बाइक कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, इधर जाए रोड समझ में नहीं आ रहा सामने वही क्या है। ऊपर से जेसीबी कटिंग कर रही है, उसकी आवाज ऐसी भयानक सी लग रही थी, न्यूमेटिक ड्रिलर ड्रिल कर रहा था। तो मैंने तो बोला दादा को, दादा इससे आगे नहीं जाएंगे गमशाली से, चाहे बाहर सोना पड़ जाए, बारिश में नहीं जाऊंगा मैं बाइक लेके आगे। क्योंकि गांव वाले बोल रहे थे, जो दुकान वाला था वो बोल रहा था कि भाई आगे चले रहो, नीति विलेज 3-4 किलोमीटर आगे है ना। भैया मेरे बस की नहीं था,
इतने डरावने सीन देखने के बाद कि आगे जाया जाए, वो भी रात में। बहुत हाई रिस्क है, बहुत हाई रिस्क था। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो ब्यूटीफुल होने वाला है, और एडवेंचर कल होगा। हाँ कल होगा, होप सो कि ऐसा एडवेंचर ना हो। मतलब यार, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क भी हो जाता है कई बार, तो हम उतना ही रिस्क लेते हैं जितना झेल जाए, कैलकुलेटेड रिस्क। चलो अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है ज़रूर, इतने बढ़िया बढ़िया जो ब्लॉग दिखा रहे हैं। चलो अब करते हैं टाटा बाय बाय।